जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शुक्रवार को जजपा नेता एवं पूर्व चेयरमैन परसन छन्नो देवी के घर जलपान के लिए पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन की उम्र 60 साल से घटाकर 55 वर्ष करने में अभी कुछ समय और लगेगा। इस बारे में दोनों पार्टी आपस में बात कर रही थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार की पेंशन योजनाएं सामाजिक एवं न्याय एवं आधिकारिता विभाग के माध्यम से चलाई जा रही हैं। इन सभी पेंशन को पीपीपी से जोड़ दिया गया है। इसका फायदा यही हुआ है कि किसी भी पात्र व्यक्ति को अब दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुढ़ापा पेंशन के लिए जैसे ही कोई व्यक्ति निर्धारित उम्र पूरी करता है, विभाग के अधिकारी 1 महीने पहले उससे अनुमति फॉर्म पर हस्ताक्षर करवा लेते हैं। इसके बाद उम्र पूरी होते ही पीपीपी के माध्यम से उनकी बुढ़ापा पेंशन स्वतः ही शुरू हो जाती है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से पिछले 4 माह 12,763 लोगों की पेंशन घर बैठे बनी है। पीपीपी के माध्यम से गरीब परिवारों की आज सत्यापन करके पीले राशन कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। सरकार ने सिरसा और कुरुक्षेत्र जिला में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पीपी से राशन कार्ड बनाए हैं। भविष्य में इनकी अनूठी योजना को पूरे प्रदेश में लागू होगी। तो दोस्तों जुड़े रहे आप सभी लोग हमारे साथ, हमारे वीडियो को अंत तक देखें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।